एनसीईआरटी में मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फेराडेज लॉ। वो कहेगा डराइव करो मोशनल ईएमएफ इन अ रॉड, जब आप एक रॉड को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो कितनी ईएमएफ डेवलप हो जाती है। हम तो करके आए हैं, इसका फॉर्मूला बीएलवी है, पर एनसीईआरटी कहेगी इसको प्रूव करके दिखाओ। तो आपने ये डायग्राम बनाना है एनसीईआरटी में, वो दो एक्सप्रेशन नहीं करने जो पहले करवाए, आपने ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में ये मान लो एक डायग्राम है, ये एक रॉड है, ये रॉड इसकी रेल्स के ऊपर लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और जब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रही है इसकी लंबाई क्या है L। किसी भी इंस्टेंट पर रॉड लेफ्ट जा रही है, किसी भी इंस्टेंट पर ये डिस्टेंस कितना रह गया X, किसी भी इंस्टेंट पर ये डिस्टेंस कितना हो गया X, और ये कम होता जा रहा है, और अल्टीमेटली रॉड अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी, और जब रॉड बिल्कुल कोने पे पहुंच जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जीरो, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा जीरो। तो अभी इस इंस्टेंट पर फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है बी इंटू एरिया, बी इसमें यूनिफॉर्म है और एरिया किस इस इंस्टेंट पर कितना है एल इंटू एक्स, ये एरिया देख रहे हो एल इंटू एक्स, तो ये क्या आ गया इसका फ्लक्स आ गया। इसको इंस्टेंटेनियस फ्लक्स भी बोल सकते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर चेंज हो रही है एक्स के साथ, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है बी इंटू एल इंटू एक्स। ये स्टेप क्लियर है। फिर कहता है जी फेराडे लॉ लगा दो, क्या होता है माइनर डी फाई बाई डी टी, इस फ्लक्स को उठा के यहां पे पुट कर दो, B और L कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी टी क्या होगी वेलोसिटी V, V पुट कर दो आंसर आ गया, इससे छोटा नहीं है कुछ भी, कुछ किया ही नहीं। ये फॉर्मूला आपको आता है, फ्लक्स इज B इंटू एरिया, एरिया L इंटू X, पुट किया डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी V आंसर। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये आपने एनसीईआरटी में करके आना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला नोट कर लो फॉर्मूला रजिस्टर में, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस BLP। और साथ में ये भी डिस्कस करना है कि इस रॉड में करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएं प्लीज, B कैसे है बोर्ड के अंदर, थंब कैसे है लेफ्ट की तरफ, B बोर्ड के अंदर है, थंब कहां पर है लेफ्ट की तरफ, करंट कहां पर है नीचे, B मोशन ऑफ अ कंडक्टर, करंट नीचे, तो करंट कैसे होगा इसमें नीचे, इस करंट का नाम क्या है इंड्यूस्ड करंट। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से करंट आ गया। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, सुन लो, ऑब्जेक्टिव ये आएगा कि जब रॉड लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है वो कहेगा एस और आर, ये रेल्स हैं, एस आर में करंट कहाँ होगा। कई लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, फ्लेमिंग का रूल का लगाएंगे, अच्छा कहेंगे करंट डाउनवर्ड आ गया, कहेंगे डाउनवर्ड, उसने पूछा ही नहीं रॉड में करंट, उसने किस में पूछा इसमें करंट कितना है, तो यही करंट निकल के ऐसे जाता हुआ कहां जाएगा ऊपर जाएगा आर से एस जाएगा। तो ये याद रखना, ये पढ़ना पड़ेगा कि रॉड में करंट पूछे या इस सेक्शन में करंट पूछे। अगर यहां पूछे तो तुम फ्लेमिंग का रूल यहां मत लगाना, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो फ्लेमिंग का रूल तो यहीं लगेगा, करंट नीचे आएगा यहां से घूम कैसे जाएगा, फिर आंसर दे देना कि कहां कितनी वैल्यू ऑफ करंट आएगी, कोई डाउट इसमें। और अगर वो इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि बताओ इसमें कितना करंट डेवलप होगा इंड्यूस करंट, तो आप आंसर क्या देंगे, बी एल वी को किससे डिवाइड करेंगे आर से, और बोलेंगे कि मान लो इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है कैपिटल आर, तो बी एल वी बाय आर क्या होगा करंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि करंट की वैल्यू क्या होगी इसमें।